नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथालोक में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो अभी हाल ही में पेट यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए सिलेबस की घोषणा की गई, पाठ्यक्रम की घोषणा की गई और बहुत ही जल्द इसके लिए जो है परीक्षा भी प्रारंभ हो जाएगी, तो उसी के संबंध में संस्थान टारगेट विद आलोक के द्वारा इस निर्माण बैच का प्रारंभ किया गया है। निर्माण बैच यानी निर्माण मीन्स आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए संस्थान के द्वारा यह एक प्रयास है। दोस्तों, इस बैच के संबंध में जो टेलीग्राम चैनल है वह पूरी तरह से निःशुल्क है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वह पूरी तरह से निःशुल्क है। वहां पर आपको बैच से संबंधित तमाम जानकारियां जो भी रहेंगी वो आप तक प्रेषित की जाएंगी, उसके लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा संस्थान ने जिस निर्माण बैच को प्रारंभ किया है उसका मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या प्रक्रिया है एडमिशन की, है ना। यानी आपको इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है संस्थान का 8736093317, इस पर आपको NTPT 2021 लेकर सेंड करना है। इसके बाद आपके पास जितनी भी जानकारी है एडमिशन से संबंधित, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आप अपनी प्रवेश की प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके संबंध में इस बैच की क्या खूबी होगी, इस बैच की क्या विशेषता होगी, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस बैच की खूबी ये रहेगी, विशेषता है कि 6 घंटे से ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, नोट्स आपको हैंड रिटन, PDF, लाइव डाउट सेशन और ये सारी चीजें इसमें, संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला, प्रैक्टिस सेट, मैराथन, रिविजन टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको संस्थान के द्वारा अवेलेबल कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भी संस्थान की ये नंबर है, यदि आप किसी भी प्रकार की जानकारी बैच से संबंधित लेना चाहते हैं तो वर्किंग आवर में आप इन नंबर्स पर कॉल करके भी संस्थान में जो जानकारी है वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस निर्माण बैच के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आप तक प्रेषित करनी थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किस सब्जेक्ट को आपको पीटी के लिए, भारतीय संविधान का जो पाठ्यक्रम है, भारतीय संविधान की जो जितना सिलेबस उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है, जो पाठ्यक्रम आपका दिया है, उस पाठ्यक्रम पर हम आपकी अपनी चर्चा चलेगी। उससे पहले हम कुछ चीजें आपसे बात कर ले कि कैसे, देखिए नकारात्मकता का दौर चला है, है ना, यानी कोविड का संक्रमण चला, लोग परेशान हुए, लोग तो काफी जो है माहौल जो है ऐसा था जो निगेटिव था, है ना, लेकिन उसके बीच भी आशा की एक किरण जगी है, एक माहौल अच्छा थोड़ा सा क्रिएट हुआ है, नया सेशन जो है आया है, सारी चीजों से उबर कर संस्थान भी आया है और आप भी आए हैं, तो उन सारी चीजों से निकलकर एक अच्छा माहौल जो है बन रहा है, तो उसके बीच ये बैच जो है संचालित हो जा रहा है। हम आपको भारतीय संविधान, है ना, भारतीय संविधान का जो पाठ्यक्रम आपके लिए निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम पर आज हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे और एक टॉपिक, कोई एक टॉपिक आज देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है बेहतर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। यहां पर आप देखिए कि सिलेबस क्या है उस पर थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, है ना, तो इसमें भारतीय संविधान में जो चीजें दी गई हैं, जैसे यहां देखिए आपको दिया गया है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, है ना, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को आपको पूरा पढ़ना है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को, यानी राज्य जो DPSP है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों को, संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ना है। संसदीय शासन प्रणाली में हम पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखेंगे, जैसे संसदीय शासन प्रणाली में किस तरह से शासन यानी गवर्नेंस किया जाता है, है ना। गवर्नेंस में लोकसभा का गठन आप देखेंगे यहां पर, है ना, फिर हम उसी पर राज्यसभा के गठन को भी देखेंगे, ठीक है। संघीय प्रणाली को देखेंगे यहां पर, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश है उनकी गवर्नेंस किस तरह होती है, केंद्र और राज्य के संबंधों पर भी चर्चा
की जाएगी। केंद्र राज्य संबंध मीन्स तीन प्रकार के संबंधों की चर्चा की गई है यहाँ पर। जैसे आप देखिए विधायी संबंध है ना, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और इसके साथ साथ वित्तीय संबंध है। तीन प्रकार के संबंधों की चर्चा यहाँ पर की गई है, इससे भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी, प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। फिर न्यायिक ढांचा आएगा, न्यायिक ढांचा में आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पढ़ना है, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, हाई कोर्ट का गठन कैसे होता है, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या है, ये तमाम जो पहलू हैं उन तमाम पहलुओं पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका है वो व्यवस्था है इसमें जिला प्रशासन, है ना, यानी जिला प्रशासन एक जो टॉपिक इसमें दिया गया है आपका, ये जिला प्रशासन का मीन्स है कि आप जैसे नगर निगम है ना, ये सारी चीजें, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, पूरी की पूरी, कहने का अर्थ यदि आप देख लीजिए तो एक दो टॉपिक इसमें से छोड़ दीजिए, जैसे आपात उपबंध नहीं दिया गया है, ठीक है, आपात उपबंध की स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है यहाँ पर, ना ही संशोधन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर स्पष्ट उपबंध किया गया है, और प्रस्तावना के बारे में भी स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भले ही स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं फिर भी आपको इन सारे टॉपिक्स को भी कवर करना है, क्योंकि ये कतई आवश्यक नहीं है कि जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया वहीं से ही ये पूछे, है ना। यदि उन्होंने भारतीय संविधान लिखा है इट मीन्स इट कंप्लीट्स होल, ठीक। आज ये कुछ आपके सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को हम टॉपिक वाइज टॉपिक धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान, जैसे आप संविधान को जब पढ़ते हैं या किसी विषय को जब पढ़ते हैं, आपसे ये पूछ ले कोई व्यक्ति कि हाउ यू कैन डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, या आपसे कोई ये कहे कि संविधान क्या है, ठीक है, आपसे पूछ ले कि संविधान क्या है, क्या बताएंगे हम संविधान क्या है, बताइए संविधान क्या है, है ना। जैसे मान लीजिए कोई दस्तावेज, संविधान क्या है, लिखित दस्तावेज है, है ना, तो संविधान क्या है, लिखित दस्तावेज। जैसे मान लीजिए कोई शीट है आप, है ना, वो पूरी तरह से क्या है, ब्लैंक है। जैसे मान लीजिए ये है, है ना, ये क्या है, ये ब्लैंक है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा गया। लेकिन अगर ये कह दिया जाए, ये देखिए, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए ये है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, कहने का तात्पर्य ये क्या है, लिखित। तो संविधान क्या है बेटा, संविधान हमारा क्या है, लिखित दस्तावेज है, है ना। तो संविधान हमारा एक लिखित दस्तावेज है, संविधान को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। और उस लिखित दस्तावेज में क्या चीजें लिखी है, आदर्शों नियमों का समुच्चय है संविधान हमारा। संविधान क्या है, आदर्शों और नियमों का समुच्चय है संविधान, ठीक है। अब संविधान में एक टॉपिक रहेगा हमारा, जैसे प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना। कहीं पर भी जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, आप कोई किसी के लिखी हुई पुस्तक को पढ़ते हैं, कोई मार्केट से ली हुई, तो उस पुस्तक के पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रीफेस रहता है ना, देखते हैं। वो प्रीफेस क्या होती है, उस पुस्तक के अंदर जो चीजें दी गई हैं, जिन चीजों को लेखक ने समाहित किया है, उनका सार संक्षेप में विवरण, मीन्स कहने का तात्पर्य कि उस पुस्तक के अंदर दी जाने वाली चीजों का संकलन, या उसके अंदर समाहित आइडियल्स, या उसके अंदर समाहित चीजों का निचोड़ होता है वह प्रीफेस। उसी तरह से प्रस्तावना हमारी क्या है मित्रों, प्रस्तावना हमारी संविधान के अंदर जिन आदर्शों का, जिन नैतिक मूल्यों का, जिन आइडियल्स को रखा गया है हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, उसी के बारे में चर्चा की गई है, उसे को बताया गया है कि हमारा संविधान कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रस्तावना के संबंध में ये कहा है कि इट इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर,
व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गोइंग टू बी मेड, यानी जब भारत के संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जा रहा था, उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के मन में क्या चल रहा था या हमारे संविधान निर्माता क्या सोच रहे थे, उनके मन को जानने की यह कुंजी है, उनके मन को, उनके मस्तिष्क के ताले को खोलने वाली कुंजी है ये प्रस्तावना हमारी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बेहतरीन टॉपिक होता है प्रस्तावना, जहां से आप कभी भी कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, चाहे वह पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, चाहे आप पीटी का एग्जाम देने जाए, किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको एक न एक प्रश्न जो है वो प्रस्तावना से निश्चित तौर पर मिलता है, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है बेटा, प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है, या संविधान के अंदर समाहित चीजों, समाहित आदर्शों को बताने का साधन है, ठीक है। अब भारतीय संविधान में हम आपको बताते हैं कि संविधान की चीजें ली कहां से गई हैं। जैसे संविधान की यदि हम बात करें कंसेप्ट, है ना, संविधान में प्रस्तावना का कंसेप्ट, यदि कंसेप्ट की बात की जाए तो ये संविधान में प्रस्तावना का कंसेप्ट लिया कहां गया से, देखिए ये लिया गया है बेटा अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान एक ऐसा संविधान है विश्व का जिसने सबसे पहले अपने संविधान में प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया, प्रस्तावना को इंट्रोड्यूस किया, है ना। उसके बाद तमाम देशों ने इस परिकल्पना को अपनाया, ठीक है। अच्छा, यदि स्रोत की बात करें कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का स्रोत क्या है, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जिस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना दोस्तों, संविधान का, प्रस्तावना का स्रोत बनता है, ठीक है। तो यदि स्रोत की हम बात कर लें कि स्रोत क्या है, तो यहां देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है, रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया बेटा, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान में प्रस्तावना का आधार बना, स्रोत बना। आपसे यदि कोई पूछ ले कि स्रोत क्या है, तो आप बता दीजिए कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना हमारा, ये स्रोत बनता है, क्लियर। अब ये तो बात हो गई कि कंसेप्ट नहीं कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। अब जो लेखन शैली है, यानी जैसे लिखा गया है हमारा संविधान की प्रस्तावना, कैसे, जैसे हम भारत के लोग, फिर उसके बाद कोलन लिखा लगा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्म संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सेमी कोलन। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप की अवधारणा को हमने कहां से लिया, बहुत बारीक चीज बता रहा हूं आपको। स्वरूप की यदि अवधारणा की बात करें हम, है ना, तो स्वरूप की अवधारणा को हमने कहां से लिया है बेटा, स्वरूप की अवधारणा हमारी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि स्वरूप, यानी जो लेखन शैली है, स्वरूप या लेखन शैली, जो प्रस्तावना की जो लेखन शैली है, वो हमने कहां से लिया है, वह लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दो चीजें हो गई, संविधान की प्रस्तावना का यदि कंसेप्ट पूछा जाए कि हमने कंसेप्ट कहां से लिया है, हमारी अवधारणा कहां से ली गई है, सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से, और उद्देशिका या प्रस्तावना को लिखने की जो शैली है, उस शैली या स्वरूप को हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संविधान में जो ये उद्देशिका का ये स्रोत है, वो स्रोत क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया
उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इतनी चीजें। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात करें कि ये तो संविधान सभा की, या कौन सा ऐसा अधिनियम था, कौन सा ऐसा अधिनियम था जहां पर पहली बार प्रस्तावना देखने को मिली थी भारत में। ठीक है, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, कौन सा है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार जो है प्रस्तावना देखने को मिली। ठीक है, हालांकि इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे जब हम संवैधानिक विकास को देखेंगे, है ना। संविधान का किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ था वहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह 1919 के शासन अधिनियम से रेगुलेट किया गया था, काम किया गया था। एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है, मैं आपको बता रहा हूं कि यह पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जो प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहा जाता है। तो 1935 का शासन अधिनियम कौन सा है, 1935 का शासन अधिनियम क्या कहा जाता है बेटा, प्रस्तावना विहीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रस्तावना विहीन, क्योंकि इसी 1919 के शासन अधिनियम के प्रस्तावना को 1935 के शासन अधिनियम ने हमने रख दिया था। यानी इस अधिनियम में, 1935 के शासन अधिनियम में जो प्रस्तावना थी वो कहां की थी, प्रस्तावना 1919 के अधिनियम की थी, इसलिए इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना विहीन अधिनियम। ठीक है, यह प्रश्न पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना विहीन कौन सा अधिनियम था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्लियर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो संविधान में जिन आइडियल्स को, जिन उद्देश्यों को, जिन स्रोतों को, जिन आदर्शों को रखा गया है, वो स्रोत, वो आदर्श, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं प्रस्तावना से जुड़े हुए बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में कराऊंगा। इस प्रस्तावना से जुड़े हुए जितने एमसीक्यूज हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी आपको यहां पर अभी देखने को मिलेंगे आखिरी में, तो अंत तक जरूर आप बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम देखते हैं किन आदर्शों को समाहित किया गया है, आदर्श, है ना, या इसे आप आइडियल्स कह सकते हैं। देखिए पहला क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, समाजवाद। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। चौथा है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, और पांचवा आदर्श है इसका लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये पांच आदर्श हैं, यही पांच सिद्धांत हैं, यही पांच आइडियल्स हैं जिन्हें भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया है। और जब भारत की संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हम कर रहे हैं जहां पर इन चीजों को हम अपने आदर्श के रूप में रखेंगे बेटा। ठीक है, तो आइए एक एक शब्द को व्याख्या की जाती है, एक एक शब्द को हम पकड़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यदि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की हम बात करें, तो कौन सा राज्य ऐसा होगा जो, जिसे आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मानेंगे। तो यदि राज्य के कंसेप्ट में हम बात करें, यहां पर राज्य मींस स्टेट, यानी राज्य मींस देश, कंट्री के लिए डिनोट करेंगे, तो राज्य मींस राज्य, यहां पर यदि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के हिसाब से हम देखें तो राज्य तीन प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए उपनिवेश, उपनिवेश, ठीक है, दूसरा होता है
अधिराज्य है ना, और तीसरा होता है प्रभुत्व संपन्न, है ना, प्रभुत्व संपन्न, ठीक, संपन्न। अब यहां देखिए आप, उपनिवेश क्या होता है, अधिराज्य क्या होता है और प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। देखिए उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश का अर्थ होता है कि जहां पर देश का नेतृत्व करता भी विदेशी हो और उस देश के लोग गुलाम हो, किसी के अधीन हो। जैसे हिंदुस्तान 1947 के पहले क्या था, 1947 के पहले हम क्या थे, उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश थे, ब्रिटेन के उपनिवेश, क्योंकि यहां पर जो नेतृत्व करता था वो कौन था, बाहरी थे व्यक्ति। नेतृत्व करता हमारा कौन था, हम पर शासन कौन करते थे, बाहरी करते थे, और हम लोग क्या थे, गुलाम थे। तो हम क्या थे, उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो उपनिवेश का अर्थ क्या हो गया बेटा यहां पर, कि नेतृत्व करता, यानी जो नेतृत्व कर रहा है, हम पर शासन कर रहा है, नेतृत्व करता और यहां लोग वहां के, दोनों क्या, लोग क्या हो, गुलाम हो, और नेतृत्व करता क्या हो, विदेशी हो। समझे आप, नेतृत्व करता विदेशी हो और लोग भी वहां के क्या है, गुलामी की दास्ता में रह रहा हो, वो क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। हम सभी क्या थे, उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश, ब्रिटेन के। क्लियर। दूसरा आता है आपका अधिराज्य, है ना, दूसरा क्या आता है, अधिराज्य। 1947 के पहले तक हम क्या थे बेटा, उपनिवेश थे। उसके बाद 1947 से लेकर 1949 तक, 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, लेकिन अधिराज्य में थे हम। अधिराज्य का मतलब यहां पर होता है कि जो नेतृत्व करता था, नेतृत्व करता अभी भी विदेशी था यहां पर। क्यों विदेशी था, क्योंकि हमारे पास शासन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारा कोई कानून ही नहीं था, हमारा कोई निर्माण ही नहीं था, हम विदेशी कानूनों से गवर्न हो रहे थे। भारत शासन अधिनियम 1935 से हम गवर्न हो रहे थे, 1935 के। जब हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा वहां पर व्यवस्था चली। तो यहां पर 1947 में आजाद तो हम हो गए, हमें आजादी दे दी गई, लेकिन हमारे पास कोई संविधान नहीं था, हमारे पास कोई रूलिंग करने का आइडिया नहीं था, हमारे पास कोई गवर्नेंस की तरीके नहीं थे, तो इसलिए हम क्या थे, अधिराज्य थे। यहां पर नेतृत्व करता अभी भी विदेशी था। क्यों, क्योंकि हम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्न हो रहे थे और वायसराय भारत का क्या होता था, नेतृत्व करता होता था, वो हम पर शासन करता था, वो नेतृत्व करता था हमारा, ठीक है। और यहां के लोग कैसे थे, लोग स्वतंत्र थे, ठीक है। 1947 के पहले का फेज क्या था दोस्तों, हम उपनिवेश थे और 1947 से 1949 तक हम क्या थे, उपनिवेश में, अधिराज्य में थे। और 26 नवंबर 1949 को जब इस देश ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया, तो हम क्या हो गए, प्रभुत्व संपन्न हो गए। क्यों हो गए प्रभुत्व संपन्न, क्योंकि जो नेतृत्व करता था हमारा, जिस दिन हमारे संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, उसी दिन हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो गया। देश का नेतृत्व कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वो भले ही कहने के लिए रबर का स्टैंप होता है, लेकिन देश को किसके नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति के। राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, इस देश का राष्ट्रपति। तो संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया, तो नेतृत्वकर्ता जो थे हमारे, नेतृत्वकर्ता भी भारत के हो गए और भारत के लोग भी क्या हो गए बेटा, स्वतंत्र हो गए। तो हम क्या हो गए, प्रभुत्व संपन्न हो गए। मतलब हमारा नेतृत्वकर्ता भी और हम दोनों भारतीय हो गए, हम स्वतंत्र भी हो गए। स्वतंत्र तो हम यहीं पर हो गए थे, लेकिन हमारा नेतृत्वकर्ता बाहरी था। अब यहां पर हमारा नेतृत्वकर्ता भी जो है हमारे बीच का आदमी है और हम क्या है, स्वतंत्र हो गए। तो यहां पर क्या हो गए, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए। क्लियर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यहां पर, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ एक और यहां पर आप लगा सकते हैं कि अपने आप में पूर्ण, ठीक है। हम अपने आप में पूर्ण है, हम अपने, चाहे हमारे आंतरिक मामले हो,
ठीक है, या हमारे बाहरी मामले हो, ठीक है, आंतरिक और बाहरी समस्त मामलों को निपटाने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र है। हमारी तरफ कोई भी व्यक्ति हमें बाध्य नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हमें यह नहीं कह सकता कि आप यह नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से इन चीजों को करो, कोई भी व्यक्ति हमें नहीं कह सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, यहां समझ में आ गया कि प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। हम अपने आप में पूर्ण हो गए, परिपूर्ण हो गए, ठीक है, यही कहलाता है प्रभुत्व संपन्न। अगला शब्द है हमारा समाजवाद। समाजवाद ये शब्द पहले नहीं था संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था पहले, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है, किसे आप समाजवाद कहते हैं, कौन सा समाजवाद भारत में है? तो समाजवाद के लिए यदि हम देखें कि राज्य किस संदर्भ में, तो राज्य के संदर्भ में दो प्रकार का समाजवाद, दो प्रकार का होता है जी। कैसा? एक होता है पूंजीवाद, है ना, यह अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था के शिक्षक आपको इसे बहुत अच्छी तरह समझाएंगे कि पूंजीवाद क्या होता है ना, और समाजवाद। अभी हम बताते हैं आपको कि यहां पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि ऐसा बाजार, ठीक है, ऐसा बाजार जिस पर नियंत्रण वहां के पूंजीपतियों का हो, पूंजीपतियों का हो, वो क्या कहलाती है, पूंजीवाद, पूंजीवाद राज्य कहलाता है, जिसे अमेरिका, वहां पर क्या है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी लोग हैं, यानी जो वहां के पूंजीपति हैं, उनका बाजार पर क्या है, नियंत्रण है, वो क्या कहलाती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। हमारे यहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवाद क्या कहलाता है, ऐसे बाजार जिन पर अधिकार उस देश के पूंजीपतियों का ना हो बल्कि क्या हो, सरकार का हो, यानी ऐसे बाजार जिन पर सरकार का नियंत्रण हो, जिन पर सरकार का नियंत्रण हो, वो क्या कहलाता है, समाजवाद। अब जब सरकार का नियंत्रण होगा तो कहने का अर्थ कि वहां के लोगों का डेवलपमेंट होगा, सरकार क्या करेगी, समाजवाद के अर्थ को साकार करेगी। समाजवाद का अर्थ होता है समाज के लोगों को साथ लेकर डेवलप करना, समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर डेवलप करना। कहने का अर्थ यहां यह निकल रहा है कि समाजवाद में जो साधन होते हैं, जहां से धन की उगाही होती है, जो जहां से धन के संकेंद्रण को रोकना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए, सभी तक चीजें पहुंचनी चाहिए, ठीक है, यही कहलाता है समाजवाद की अवधारणा। तो समाजवाद आप समझ गए क्या होता है, कि ऐसी बाजार की व्यवस्था जिस पर उस देश की सरकार का कंट्रोल हो, ना कि देश के पूंजीपतियों का हो, ना कि देश के उद्योगपतियों का हो। और ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद के संदर्भ में, कि पूंजीवाद क्या होता है, ऐसा बाजार जिस पर पूंजीपतियों का या जिस पर देश के उद्योगपतियों का अधिकार होता है, वो क्या कहलाता है, पूंजीवाद। ठीक है, अगला है बेटा हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष समझिएगा इसको, बहुत ही कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन धर्म निरपेक्ष एंड पंथ निरपेक्ष। एक ही नहीं होते हैं दोनों, कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है, कि नहीं, दोनों में अंतर होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या होता है। धर्म निरपेक्ष आप कहते किसे हैं, धर्म निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, ठीक है। देखिए, यदि राज्य के संदर्भ में आप ले कि राज्य किस तरह से हो सकते हैं, तो धर्म निरपेक्ष के संबंध में बेटा राज्य जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, ईश्वरवादी राज्य, ईश्वरवादी, ठीक है, अनिश्वरवादी राज्य और तीसरा होता है आपका धर्म निरपेक्ष।
धर्म निरपेक्ष राज्य। ईश्वरवादी राज्य का क्या अर्थ होता है? यदि ईश्वरवादी राज्य की हम बात करें, ईश्वरवादी राज्य ऐसे राज्य होते हैं, ठीक है, जहां पर वहां की शासन व्यवस्था, वहां के लोग, वहां की सत्ता के लोग किसी एक ईश्वर में अपना विश्वास मानते हो और वहां की शासन प्रशासन में उस चीज को शामिल करते हो। जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये क्या है, ये संविधान को तो मानते हैं लेकिन संविधान के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये धर्म को लेकर चलते हैं, एक धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, कुरान को, अल्लाह को, कुरान में लिखी हुई चीजों को मानते हैं। आपने सुना होगा सऊदी अरब में सजा कैसे दी जाती है, कुरान के अकॉर्डिंग दी जाती है। वो क्या है, ईश्वरवादी है। उन्होंने कहा कि हम जो हमारे खुदा ने कहा, जो हमारे ईश्वर ने कहा, जो हमारे अल्लाह ने कहा, हम उसको फॉलो करेंगे। यानी वो क्या करते हैं, अपने शासन और प्रशासन में ईश्वर की सत्ता में मानी जाने वाली चीजों को सम्मिलित करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो शासन व्यवस्थाएं करते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, ईश्वरवादी राज्य कहलाते हैं, इन्हें ईश्वरवादी राज्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे सऊदी अरब बताया मैंने आपको, पाकिस्तान का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये क्या धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये एक व्यक्तिगत, एक व्यक्ति, एक धर्म विशेष को लेकर चलते हैं, ये क्या है, ईश्वरवादी राज्य इन्हें माना जाता है। अनिश्वरवादी राज्य क्या कहलाता है, या अनिश्वरवादी राज्य यानी जो ऐसे राज्य होते हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जैसे नास्तिक जिसे कहते हैं, हम ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते और ना ही इनकी चीजों को हम क्या करते हैं, देश में के शासन प्रशासन में शामिल नहीं करते, ये क्या कहलाते हैं, अनिश्वरवादी। या और तीसरा क्या है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, जब धर्मनिरपेक्ष की आप बात करिए तो धर्मनिरपेक्ष को हम दो तरीके से कहते हैं। एक तो हम कहते हैं कि हम क्या हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, और दूसरा हम पंथ निरपेक्ष हैं। धर्म ही नहीं, हम पंथ निरपेक्ष भी हैं। कहने का कि हम सभी धर्मों को मानेंगे, हम चलेंगे सर्वधर्म समभाव की नीति पर, लेकिन किसी भी धर्म की चीजों को, किसी भी धर्म की आस्था को, किसी भी धर्म की बातों को हम अपने शासन प्रशासन में शामिल नहीं करेंगे, ये क्या कहलाता है, धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ कि हम पंथ जो निकले हैं, यानी धर्मों से जो पंथ निकले हैं, जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म में क्या हो गया, आप मान लीजिए कई संप्रदाय हो गए, हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, शैव संप्रदाय, ये क्या है बेटा, संप्रदाय, ये पंथ है हमारे। बौद्ध में बौद्ध धर्म है हिंदुओं के अंतर्गत, हीनयान महायान, हीनयान महायान। जैन श्वेतांबर दिगंबर। मुस्लिम की बात कर लीजिए तो मुस्लिम में दो पंथ हैं, शिया सुन्नी, है ना, सभी जानते हो। ये क्या है, पंथ निरपंथ की बात कर रहे हैं। तो हम धर्म के लिए तो है ही है धर्म निरपेक्ष, साथ साथ हम जो पंथ निकले हैं, जो धर्मों से पंथ निकले हुए हैं, तमाम शाखाएं जो धर्मों की फूटी हुई हैं, हम उन धर्म से निकले हुए पंथ के लिए भी पंथ निरपेक्ष है। कहने का मतलब कि उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों को भी हम अपने शासन प्रशासन में शामिल नहीं करेंगे। फ्रांस कैसा है, फ्रांस धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष नहीं है। वो किसी एक पंथ को लेकर आगे बढ़ सकता है, वो वैष्णव संप्रदाय को लेकर आगे बढ़ सकता है, सुन्नी को लेकर आगे बढ़ सकता है, बौद्ध की हीनयान शाखा को लेकर बढ़ सकता है, श्वेतांबर या दिगंबर को लेकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो क्या है, वो केवल धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष नहीं है। भारत का संविधान कैसा है बेटा, भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष होने के साथ साथ पंथ निरपेक्ष भी है। तो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर आपने समझा, कि धर्म को तो हम धर्म
कि चीजों को हम अपने शासन प्रशासन में ही नहीं शामिल करते, अपितु हम पंथ जो निकले हुए हैं, तमाम धर्मों से जो पंथ छोटे छोटे निकले हुए हैं, हम उन पंथों के आदर्श और सिद्धांतों को भी अपने शासन प्रशासन में शामिल नहीं करते। हम किस नीति पर चलते हैं, हम जिस नीति पर चलते हैं मित्रों, उस नीति का अर्थ होता, उस नीति का कहने का तात्पर्य उसका है सर्वधर्म संभाव। हम सभी धर्मों को मानेंगे, किसी धर्म को ना बढ़ावा देंगे ना किसी धर्म को हम कम करेंगे। यही क्या कहलाता है हमारा धर्म निरपेक्ष सेक्युलर। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। अब अगली जो चीजें आती हैं इसमें वो आती है बेटा लोकतंत्र, है ना, यही तो कहलाता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी हम कॉमन सी बात भाषा में यदि समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो लोकतंत्र क्या है? जहां पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र होता है, लोगों के द्वारा चुनी गई सत्ता होती है, यही लोकतंत्र होता है। लेकिन थोड़ा सा आप बौद्धिक व्यक्ति हैं, आप संविधान को पढ़ रहे हैं, तो आपके सोचने का और आपके देखने का नजरिया भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आप जब समाज में बैठे किसी के साथ बात करें तो इनके चीजों को सोचने और समझने के नजरिए को अलग होना चाहिए हमारा। तो हम आपको बताते हैं कि लोकतंत्र कहते किसे हैं, जैसे लोकतंत्र की खासियत क्या होती है। यदि हम खासियत की बात कर लें तो तटस्थ नौकरशाही, नौकरशाही, तटस्थ न्यायपालिका, तटस्थ न्यायपालिका, तीसरी है समान लैंगिकता, लैंगिकता और समान न्याय। यानी कहने का तात्पर्य जहां ये चारों चीजें होती हैं वहीं हम क्या कह लेते हैं कि ये लोकतंत्र है। तटस्थ नौकरशाही, तटस्थ मीन्स न्यूट्रल, तटस्थ नौकरशाही का अर्थ क्या है? जिले का डीएम है वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए उसे, वो ना किसी धर्म जाति संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष ऊंच नीच किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव ना करे, मेरिट पर काम करे, सही और गलत दो ही चीजें देखना है, कौन सही है कौन गलत। यही जहां पर तटस्थ नौकरशाही होती है वहां पर ये दो चीजें देखी जाती है, वेदर इट इज रॉन्ग और वेदर इट इज राइट, सही और गलत दो ही तरीके होते हैं इसको देखने की। यदि सही है तो आप सही काम करिए, गलत है तो सजा दीजिए। आप वहां पर धर्म जाति लिंग या इसके आधार पर विभेद नहीं करेंगे कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण आ गया तो मैं उसका काम कर दूं, मैं यादव हूं तो यादव आ गया काम कर दिया, मैं मुसलमान हूं तो मुस्लिम आ गया तो वो चाहे सही हो गलत, नहीं ये नहीं होना चाहिए। तटस्थ नौकरशाही होनी चाहिए, मींस अनमेरिट फैसला करिए आप जहां पर सही और गलत के हिसाब से काम, ठीक है। तटस्थ न्यायपालिका, न्यायपालिका भी तटस्थ होनी चाहिए, अपने हिसाब से आप काम करिए, चाहे कोई वीआईपी हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या खुद न्यायपालिका का कोई सदस्य हो, यदि वो गलत है तो उसके लिए आप सजा दीजिए, यदि वो व्यक्ति सही है तो उसे मुक्त करिए, तटस्थ न्यायपालिका। क्लियर? कोई दिक्कत यहां पर नहीं। समान लैंगिकता, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, काम कर रहे हैं उसी काम को करने के लिए अगर पुरुष को 10 रुपए मिल रहा है तो महिला को 8 नहीं मिलना चाहिए। समान लैंगिकता, लिंग के आधार पर विभेद नहीं, महिला पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। समान न्याय, सबको एक जैसा न्याय मिले, समान न्याय बराबरी का न्याय मिलना चाहिए। जहां पर ये चारों चीजें हो जाती हैं बेटा वहीं हम क्या कहते हैं कि यही क्या है लोकतंत्र है, ठीक है। क्लियर? अगला है हमारा गणतंत्र या गणराज्य, ठीक है। गणतंत्र,
गणतंत्र के बारे में यदि बात करें तो दो चीजें मिलती है। गणतंत्र राज्य दो प्रकार का हो सकता है। यहां पर देखिए, एक तो कैसे हो सकता है, वंशानुगत हो सकता है, वंशानुगत, और एक क्या हो सकता है, चुनाव। वंशानुगत, राजा हूं मैं, मेरा बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा, मीन्स वंशानुगत ये चलता आएगा, ये वंशानुगत होती है, इट इज नॉट गणतंत्र। जहां वंशानुगत होगा वो राज्य गणतंत्र नहीं होगा, लेकिन जहां पर चुनाव के माध्यम से, वो चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित चुनाव हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित चुनाव हो, जहां पर जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, यानी जहां पर इलेक्शन का सिस्टम होता है, वहां पर जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, वहीं पर गणतंत्र होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। इन्हीं पांच चीजों को समाहित किया गया है। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी प्रस्तावना की बात। अब हम बताते हैं कि प्रस्तावना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वाद केस है ना। दो महत्वपूर्ण केस हैं। एक तो मामला है बेटा बेरुबारी का मामला है ना, बेरुबारी का मामला, ठीक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बेरुबारी के मामले में, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, अतः इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, ठीक। ये किस मामले में कहा इन्होंने, बेरुबारी के मामले में, बेरुबारी का केस था, ठीक है। दूसरा केस आया इसमें केशवानंद भारती का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा को ही बदल के रख दिया इस केस ने। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, माना उन्होंने कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रीएम्बल, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मौलिक ढांचे का सिद्धांत है, वह कहीं से भी समाप्त नहीं होना चाहिए। यानी मौलिक ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किस केस में किया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में क्या किया गया, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए, मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, प्रतिपादित किया गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये दो बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसे आप लिख लीजिएगा, निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये प्रस्तावना आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब आइए प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। जैसे देखिए यहां पर ये है प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज है ना। पहला है क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यदि क्रम की बात हम कर लें कि कौन सा क्रम सही है, ठीक है, तो बताइए जरा कौन सा क्रम संपन्न सही है। हमने कहा भारत का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र, ठीक है। तो देखिए यहां पर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन, सार्वभौम सत्ता संपन्न का अर्थ क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, जनवादी मीन्स लोकतंत्र और गणराज्य, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जैसे प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ ही एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर
करा रहा हूं। अब इसी के अकॉर्डिंग आप जब आगे क्लासेस होंगी हमारी चलेंगी तो वहां पर भी हर टॉपिक वाइज हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए यहां पर आ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ठीक है, इस शब्द को हमने जोड़ा था, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों शब्द कहां है, एक तो ये हो गया समाजवाद और एक हो गया ये, ठीक है। तो यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका दिख रहा है बी, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये ऑप्शन क्या सही होगा इसका, बी, क्लियर। आगे आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और ये संविधान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया। अभी मैंने बताया आपको 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है या लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए है आपका दिया हुआ चौथा कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और जो कूट दिया हुआ है उसकी सहायता से उत्तर देना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा, मैंने आपको बताया जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था इसकी प्रतिति न्याय योग्य है, जस्टिसिबल है, क्या इसको आप कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं यदि कोई गलती हो गई तो, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं, ये अमेंडेबल है। केशवानंद भारती के मामले में कहा गया कि इट इज पार्ट ऑफ दी, ये मींस प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अमेंड द प्रीएम्बल बट इट शुड बी केयरफुली टेकन दैट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिमोलिस्ट, ठीक है, मौलिक ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मौलिक ढांचा क्या होगा, ये भी प्रश्न आया कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, कोर्ट ने कहा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हम बताएंगे कि मौलिक ढांचा क्या माना जाएगा, ठीक है, मौलिक ढांचे को मानने के लिए कोई भी विशेष गाइडलाइन नहीं उन्होंने जारी की। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों के यह रद्द नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका सबसे सही आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी यहां पर ये देखिए बी ऑप्शन 1, 2 और 4, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। इसी तरह के प्रश्न आपके पीटी में पूछे जाएंगे, है ना, प्रारंभिक जो परीक्षा हमारी होनी है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यह इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसने इसे क्या कहा है, जन्म कुंडली कहा है, तो के एम मुंशी साहब ने इसे जन्म कुंडली कहा था। जैसे एन के पालकी वाला ये भी संविधानविद है, एनके पालकी वाला ने कहा था संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था, संविधान का क्या कहा था, परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कहा था, संविधान की प्रस्तावना का जो है परिचय पत्र कहा था इनके पालकी वाला ने। उसी तरह से संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया था, जन्म कुंडली कहा गया, किसने, के एम मुंशी के द्वारा। आगे आइए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था बेरुबारी का मामला था, ठीक है, बेरुबारी के मामले में उन्होंने ये कहा, ठीक। अब इसके बाद बस इतने ही इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्नों के साथ, टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। संस्था के द्वारा आपके लिए निर्माण बैच का जो प्रारंभ किया गया है, उस निर्माण बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उस निर्माण बैच की जो खूबी है, आप उस निर्माण बैच से कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है बेटा, एंट्री
PET 2021 ये लिखकर आप WhatsApp कर सकते हैं। संस्थान के द्वारा इस वीडियो के लिंक पे एक निशुल्क टेलीग्राम चैनल चलाया जा रहा है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं तत्काल प्रभाव से। वहां से कोई दिक्कत आपको, उसका कोई फी, कोई शुल्क आपको नहीं देना है और आप एडमिशन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। जैसा कि सर ने पहले आपको बताया था, रवि सर ने, कि प्रारंभ के 4 दिन आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, उस लाभ को आप उठाइए और संस्था में हमारे साथ जुड़िए और प्रारंभिक परीक्षा को पास करिए। हम सभी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।